नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज हरियाणा राष्ट्रवादी जन लोक सत्या पार्टी ने प्रेस वार्ता कर अपनी पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की। इस मौके पर पार्टी प्रभारी ने नए कार्यकारी अध्यक्ष पर भरोसा दिखाते हुए कहा कि वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे और आने वाले चुनावों में पार्टी को ज्यादा से ज्यादा भाग दिलवाएंगे। मैं यशपाल राणा, प्रभारी राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्या हरियाणा से हूँ और आज मैंने अपने यहाँ पर हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री विनोद शर्मा जी को बनाया है और इसके बाद इन्हें जिम्मेवारी दे के कहे भी पूरा हरियाणा आप संभालें और 36 बरादरी को साथ लेकर ए से लेकर जेड तक हर उस पर पदाधिकारी बनाएं और आने वाले हर इलेक्शन में आपने अपनी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दिलाना है हर चुनाव के। विनोद शर्मा को हरियाणा राष्ट्रवादी जन लोक सत्या पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस मौके पर विनोद शर्मा ने पार्टी का धन्यवाद करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने और जनता के मुद्दों को उठाने का आश्वासन दिया। मैं सबसे पहले राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य के संयोजक श्री शेर सिंह राणा जी, हमारे प्रभारी यशपाल राणा जी, महासचिव बलवान ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के संगठन ने मुझ पर एक विश्वास भरोसा किया और मैं भी संगठन को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा और पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी को अपने साथ लेकर एक संगठन तैयार करेंगे और जो कुरीतियाँ हैं, जैसे शिक्षा को व्यापार बना दिया, स्वास्थ्य जो है वो भी एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, ताकि हम लोगों को उनका हक दिलवा सकें और बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर हम बात करें, आज हम अपने ही समाज की मैं बात करता हूँ, ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति किसी के सामने आज कहने लायक नहीं है, क्योंकि अगर आज उनका कोई नेतृत्व करने वाला नेता नहीं है और जो थे, अगर उनके पास हमारा कोई ब्राह्मण भाई जाता था तो उनको ये लगता था कि भाई ये तो हमारी वजह से हम मंत्री बने हैं, न कि जनता की वजह से। लेकिन मेरा मानना है ये उन आम व्यक्तियों के कोटे से उनको एक टिकट मिलती है जिससे वो इलेक्शन लड़ते हैं, एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि समाज का नेतृत्व करने के लिए आपको यहाँ बिठाया गया है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने समाज और 36 बिरादरी को, अगर वो मुझ पर विश्वास जताएंगे तो मैं पूर्णतः अपने समाज और पूरे समाज के लिए मैं हर जगह पे हर समय खड़ा हुआ मिलूंगा। हरियाणा राष्ट्रवादी जन लोक सत्या पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष ने जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अगर जनता उन पर भरोसा दिखाएगी तो आने वाले हर समय वो उनके साथ खड़े मिलेंगे। बहरहाल, अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। मैं बल्लू बलविंदर सिंह उर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का रोशन सिंह सोडी आपसे बेनती करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज मास्क पहनिए और देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़।